वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। पुलिस के हाथ भले ही कितने लंबे हों, लेकिन वे बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी व उसके बेटों तक नहीं पहुंच पाए हैं। पुलिस व प्रशासन की जो टीम जिस जोश के साथ याकूब एंड सन्स के पीछे पड़ी थी, वह देखते ही देखते रफु चक्कर हो गया। 8 माह बाद भी ठेले पर नींबू बेचते बेचते करोड़ों में खेलने वाला याकूब कुरैशी गिरफ्तार नहीं हो सका। 8 माह की चुप्पी पर सवाल उठे तो अब भगोड़े याकूब कुरैशी, पत्नी व दोनों बेटों इमरान व फिरोज पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। RTI एक्टिविस्ट संदीप पहल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि गैर कानूनी धंधा करने वाले याकूब कुरैशी एंड सन्स को बचाने, अवैध मीट को बचाने, गैंगस्टर एक्ट न लगने देने के इस खेल में शासन, प्रशासन, पुलिस, अभियोजन पक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, विधायक, सांसद की मिलीभगत है। संदीप का यह भी कहना है कि जो मीट अवैध है उसके बार बार सैंपल क्यों लिए जा रहे हैं। ऐसा याकूब कुरैशी को राहत देने के लिए किया जा रहा है और इस राहत के बदले करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.TV। दरअसल पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने भारी दल बल व तमाम विभागों को लेकर हापुड़ रोड अलीपुर स्थित याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर छापा मारा था। यह फैक्ट्री मेरठ विकास प्राधिकरण ने सील कर रखी है, बावजूद इसके वहां धड़ल्ले से मीट की पैकेजिंग की जा रही थी। पुलिस ने इस पर याकूब कुरैशी, उसके पुत्र इमरान व फिरोज, पत्नी संजीदा बेगम समेत 15 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक वक्त ऐसा लगा कि पुलिस किसी भी कीमत पर हाजी याकूब एंड सन्स को गिरफ्तार करके ही मानेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुलिस के तेवर एक-एक ही शांत हो गए। समझा जा सकता है कि ऐसा किस कारण से हुआ होगा। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि इस मामले में जुड़ी फाइलों की मोटाई लगातार बढ़ती रही। पुलिस ने फैक्ट्री से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन याकूब परिवार पर वह हाथ नहीं डाल पाई। इस बीच इतना जरूर हुआ कि हाजी याकूब की पत्नी संजीदा बेगम की जमानत हो गई, बावजूद इसके याकूब, इमरान व फिरोज को 8 माह बाद भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। अब मामला जब लखनऊ तक पहुंचा, शिकायतों के दौर शुरू हुए तो याकूब कुरैशी, पत्नी व बेटों पर गैंगस्टर लगा दिया गया है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवाण ने FirstBite TV को यह जानकारी दी। पंजीकृत किया गया जिसमें कुल 7 लोगों के ऊपर ये नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें याकूब कुरैशी, संजीदा, मोहम्मद इमरान कुरैशी, फिरोज, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब नाम के 7 लोग हैं। पूर्व में थाना खरगोदा के अंतर्गत ही एक अवैध रूप से संचालित मीट फैक्ट्री, जिसमें कि सब स्टैंडर्ड मीट के प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग वहाँ पर की जा रही थी और छापा मारने पर ये सब प्रोडक्ट्स सब स्टैंडर्ड पाए गए थे और साथ ही साथ इसमें जो ये पूरी फैक्ट्री थी ये अवैध रूप से वहाँ पे संचालित बिना लाइसेंस के की जा रही थी। उस पूरे प्रकरण में कुछ लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे और कुछ लोग फरार चल रहे हैं और उसमें फरारी के बाद उसमें धारा 82 CRPC भगोड़ा घोषित होने के बाद इसमें मफरूरी में चार्जशीट लगी थी। कुर्की की कार्रवाई उसमें उन लोगों के ऊपर की गई थी और उस पूरे प्रकरण में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। उसी प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जो अवैध रूप से जो गैरकानूनी कार्रवाई वहाँ पे की जा रही थी, उससे जो अर्जित धन चल और अचल संपत्ति है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है और उसके आगे भविष्य में जब्तीकरण की कार्रवाई उसमें पूर्ण की जाएगी। हाँ, इसमें चिन्हीकरण की कार्रवाई भी पूर्ण अभी की जा रही है और जल्दी उसको पूर्ण करा लिया जाएगा। और इसमें पूर्व में जो फरार चल रहे हैं, इसमें याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी और फिरोज़, इनके ऊपर 25-25,000 रुपये का इनाम घोषित चल रहा है और एक अलग से टीम इसमें लगाई गई है जो इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।